नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज ये बुधवार, सावन महीने का ये अंतिम बुधवार है। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आज के दिन आप जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके आवक के सोर्सेस एक से ज्यादा हो जाएंगे, आवक हर तरफ से आना शुरू हो जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी साइड इनकम आपकी चालू हो जाएगी, कहीं से भी कोई बिजनेस में है आप, बिजनेस आपका दौड़ पड़ेगा। जब आपके बुध मजबूत होते हैं तो चारों तरफ से धन की वर्षा होती है, बुद्धि तीव्र होती है। आप देखना, बुद्धिहीन इंसान कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका दिमाग काम नहीं करता है। अर्निंग कैसे की जाए? बिजनेसमैन जो होगा, जिसके बिजनेस होंगे, वो बड़े पाये पर चल रहे हैं, मतलब उसका दिमाग भी उतना ही ज्यादा एक्टिव है ना। बुध को मजबूत बनाने का ये उपाय आज के दिन आप जरूर करें। नॉट नेसेसरी कि ये सावन महीना है तो आप इस बार करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। आप किसी भी बुधवार को करेंगे, सफलता आपको जबरदस्त रूप से मिलेगी। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं, और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं आपके बुध को मजबूत बनाना है, तो लेडीशे हैं, जो भी महिलाएं हैं, बुधवार के दिन हरे रंग की साड़ी पहने। और कोई काम हरा कर पाए ना कर पाए, हरे रंग की बिंदी जरूर लगाएं और हरे रंग की चूड़ी पहने। हरे रंग की बिंदी दोस्तों आपके जीवन में रौनक लेकर के आती है, जिंदगी महक उठती है। अपने घर के आसपास कंपाउंड में, कंपाउंड नहीं भी है तो घर में कहीं पर भी हरे पौधे का गमला रखें, मतलब हरियाली घर में जरूर रखें। जो आपके घर की उत्तर दिशा की वॉल है, उस तरफ हरे रंग की पेंटिंग, हरियाली वाली पेंटिंग लगा दें, या कोई हरा भरा पौधा वहां पर आप रख दें। हमेशा आपके घर में धन आता रहेगा। और आज के दिन दोस्तों इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बता रही हूं। 40 दाने मूंग के ले लें, मूंग के 40 दाने। 4 का अंक राहु को प्रसन्न कर देता है आपके ऊपर। राहु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, धन का ढेर लगता है, कलयुग के देवता ही राहु। और मूंग लेना है तो मूंग आपके बुध को मजबूत बनाती है। और सावन महीना है, ये चीज कहाँ लेकर जानी है? शिवालय में, बराबर। 40 दाने मूंग के लेकर के जाएं शिवालय में, अंदर प्रवेश ना करें, दरवाजे पर ही खड़े हो जाएं, राइट हैंड में मूंग के दाने ले लें, 40 बार ओम रम राहवे नमः इस मंत्र को बोलें, और 40 बार ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र को बोलें। दोनों ही मंत्र को आपको 40-40 बार, मतलब कि 80 बार बोल देना है। आप चाहें तो दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर बोलें, आप चाहें तो मंदिर में जहां बैठक व्यवस्था हो वहां बैठ जाएं और 40-40 बार इस मंत्र का जाप कर लें। करने के बाद आप ये मूंग के दाने जो मंदिर, जो गर्भगृह है उसके आगे, जहां नंदी महाराज विराजमान होते हैं, वहां पर जहां हनुमान जी गणपति जी की स्थापना की जाती है, उस दरवाजे पर बाहर की तरफ 40 दाने मूंग के आपको वहीं पर रख देने हैं। बहुत ध्यान से सुने, रखने से पहले 40 बार ओम बुम बुद्धाय नमः, 40 बार ओम राम राहवे नमः, दोनों ही ग्रहों को आपको बुला लेना है मूंग के दानों में। और ये दाने आपको शिवालय में बाहर चौखट पर रख देना है, जैसे
दोनों ही ग्रह वहां खड़े हैं, भगवान शिव को पुकार रहे हैं, चुपचाप वहां रखते हैं। रखने के बाद हाथ जोड़ जोड़ करके खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आपको 28 बार, कितनी बार, 28 बार बोलना है ओम नमः शिवाय। बोले और अपने घर लौट आए। जब आप वापस आते हैं किसी से कुछ भी ना बोलें, आकर के सीधे अपने पूजा स्थान में जाएं, भगवान को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि मेरा ये वाला काम हो, मेरी ये इच्छा हो। आप देखेंगे दोस्तों मिनटों में काम होगा, करके देखिए सफाई। क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें।